ऊपरी हवाओं के सरल उपाय। ऊपरी हवाओं से मुक्ति हेतु शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। अथर्ववेद में इस हेतु कई मंत्रों व स्तुतियों का उल्लेख है। आयुर्वेद में भी इन हवाओं से मुक्ति के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ कुछ प्रमुख सरल एवं प्रभावशाली उपायों का विवरण प्रस्तुत है। तारांकन। ऊपरी हवाओं से मुक्ति हेतु हनुमान चालीसा का पाठ और गायत्री का जप तथा हवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अग्नि तथा लाल मिर्ची जलानी चाहिए। तारांकन। रोज सूर्यास्त के समय एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का आधा किलो कच्चा दूध लेकर उसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिला लें। फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर मकान की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि में उस दूध के छींटे देते हुए द्वार तक आएं और बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। क्रिया के दौरान इष्ट देव का स्मरण करते रहें। यह क्रिया 21 दिन तक नियमित रूप से करें। घर पर प्रभावी ऊपरी हवाएं दूर हो जाएंगी। तारांकन। रविवार को बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधें, ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिलेगी। तारांकन। लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं से मुक्ति मिल जाती है। तारांकन। ऊपरी बाधाओं से मुक्ति हेतु निम्नोक्त मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, कोशेश्वरस्य नमो ज्योतिपुंतगाय नमो रुद्राय नमः, सिद्धि स्वाहा। शश। तारांकन। घर के मुख्य द्वार के समीप श्वेतार्क का पौधा लगाएं, घर ऊपरी हवाओं से मुक्त रहेगा। तारांकन। उपले या लकड़ी के कोयले जलाकर उसमें धुनी की विशिष्ट वस्तुएं डालें और उससे उत्पन्न होने वाला धुआं पीड़ित व्यक्ति को सुंघाएं। यह क्रिया किसी ऐसे व्यक्ति से करवाएं जो अनुभवी हो और जिसमें पर्याप्त आत्मबल हो। तारांकन। प्रातः काल बीज मंत्र जकलींच का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें, ऊपरी बला दूर हो जाएगी। तारांकन। रविवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेह की जड़ बांधकर गले में धारण करें, नजर दोष बाधा से मुक्ति मिलेगी। तारांकन। निम्नोक्त मंत्र का 108 बार जप करके सरसों का तेल अभिमंत्रित कर लें और उससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर मालिश करें, व्यक्ति पीड़ा मुक्त हो जाएगा। मंत्र। ओम नमो काली कपाला देही देही स्वाहा। तारांकन। ऊपरी हवाओं के शक्तिशाली होने की स्थिति में शाबर मंत्रों का जप एवं प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग करने के पूर्व इन मंत्रों का दीपावली की रात को अथवा होलिका दहन की रात को जलती हुई होली के सामने या फिर शमशान में 108 बार जप कर इन्हें सिद्ध कर लेना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इन्हें सिद्ध करने के इच्छुक साधकों में पर्याप्त आत्मबल होना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। तारांकन। निम्न मंत्र से थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित कर रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी को इस स्थिति में बैठाना चाहिए कि उसका धुना उसके मुख के सामने आए। इस प्रयोग से भूत प्रेत बाधा की निवृत्ति होती है। मंत्र। जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए, जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए। जिए तो रिमट ले, मोहे तो मशांत ले, हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंगभूत चले जाए, हुक्म पाडुआ पीर की दोहाई। तारांकन। एक मुट्ठी धूल को निम्नोक्त मंत्र से 3 बार अभिमंत्रित करे और नजर दोष से ग्रस्त व्यक्ति पर फेंके, व्यक्ति को दोष से मुक्ति मिलेगी। मंत्र। तय कुठ इलाही का बान, कुडूम की पत्ती चिरावन, भाग भाग अमुक अंक से भूत, मारुन धूलावन कृष्ण वरपूत, आज्ञा कामरू कामाख्या, हारी दासी चिंत दुहाई। तारांकन। थोड़ी सी हल्दी को 3 बार निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित करके अग्नि में इस तरह छोड़े कि उसका धुआं रोगी के मुख की ओर जाए। इसे हल्दी बाण मंत्र कहते हैं। मंत्र। हल्दी गिरी बाण बाण को लिया हाथ उठाया, हल्दी बाण से नीलगिरी पहाड़ ठहराए, यह सब देख बोलत वीर हनुमान, डाइन योगिनी भूत प्रेत मुंड काटो तान, आज्ञा कामरू कामाक्षा माई, आज्ञा हाड़ी की चंडी की दोहाई। तारांकन। जौ, तिल, सफेद सरसों, गेहूं, चावल, मूंग, चना, कुश, शमी, आम्र, डुम्बर पत्ते और अशोक, धतूरे, दूर्वा, आकवर ओगा की जड़ को मिला लें और उसमें दूध, घी, मधु और गोमूत्र मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। फिर संध्या काल में हवन करें और निम्न मंत्रों का 108 बार जप कर इस मिश्रण से 108 आहुतियां दें। मंत्र। मंत्र। रू ओम नमः भवे भास्कराय आस्माकमुख सर्व ग्रहणन पीड़ा नाशनन कुरु कुरु स्वाहा।